अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते आज की खास खबर पर। शहर में घूमने वाले रिक्शे के पीछे लगे विज्ञापन पर अब आवाज उठने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये मामला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मामला है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हद का। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हद में कई ऐसे रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, जिनके पीछे अलग अलग तरह के विज्ञापन लगे हुए हैं। उसमें से एक विज्ञापन है नया नगर की एक ज्वेलर्स दुकान, तकवा ज्वेलर्स का। उस तकवा ज्वेलर्स के विज्ञापन पर मीरा भाईंदर के ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और MRSSF के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भंवर के मेहता ने सवाल उठाए हैं और इन विज्ञापनों को, इन एडवर्टाइजमेंट को निकाले जाने का महानगर पालिका को पत्र व्यवहार किया है। इसमें इन्होंने सवाल उठाते हुए कई अहम बातें कही, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। तो सबसे पहले तो ये विज्ञापन है, इसमें एक नहीं दो दो खामियां हैं, ऐसा भंवर के मेहता का आरोप है। दो खामियां, यानी कि पहले तो लोक लुभावन विज्ञापन के तहत लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो तकवा ज्वेलर से वो 100% प्योर ऐसा कुछ उन्होंने विज्ञापन में दिया हुआ है, तो भंवर के मेहता का आरोप है कि ये उनका जो विज्ञापन है वो मिथ्या है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है। तो वहीं दूसरा मामला इस तरह के जो विज्ञापन है उसको प्रदर्शन करने के लिए एक नियमावली है महानगर पालिका के हद में। जब कोई विज्ञापन, चाहे कोई होल्डिंग हो, कोई बैनर हो, कोई पोस्टर हो, किसी भी तरह का वो कहीं पे लगाया जाता है, तो उसकी बकायदा महानगर पालिका अथॉरिटी से परमिशन ली जाती है और उसके आधार पर वो लगाया जाता है। लेकिन इन रिक्शा पे लगने वाले इन स्टिकरों की परमिशन का कोई अता पता नहीं है। सिर्फ रिक्शा यूनियन से सेटिंग कर ली जाती है और चंद रुपये देकर उनको इस तरह के विज्ञापन लगा लिए जाते हैं, जिसमें महानगर पालिका के टैक्स का सीधा सीधा नुकसान होता है। तो मीरा भाईंदर के ज्वेलर व्यापारी और MRSSF के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भंवर के मेहता ने इस पर महानगर पालिका में पत्र व्यवहार किया और उन्होंने हमारे चैनल पर मुलाकात देते हुए यह सवाल उठाया कि महानगर पालिका क्यों पत्र व्यवहार का जवाब नहीं दे रही है और क्यों इस पर कार्यवाही नहीं कर रही है। ये तो हुई बात मीरा भाईंदर की, लेकिन बात करें अगर इसी विषय की बात करें तो ये विषय काफी बड़ा विषय है और इस तरह के मामले जितने मीरा भाईंदर में है उससे कहीं अधिक वसई विरार में भी है। वसई विरार में भी सैकड़ों से हजारों बल्कि ऐसे रिक्शे मिल जाएंगे जिनके पीछे किसी न किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, लेकिन उन एडवर्टाइजमेंट को लेकर किसी तरह की सरकारी परमिशन अथॉरिटी महानगर पालिका की परमिशन ली गई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के साथ वसई विरार महानगर पालिका को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि महानगर पालिका का राजस्व है वो बढ़ पाए। तो यहां मामला राजस्व का और लोगों को दिग्भ्रमित करने का दोनों का है। उस पर कहीं ना कहीं महानगर पालिका हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि न महानगर पालिका का नुकसान हो, न कोई आम आदमी लोक लुभावने विज्ञापनों में फंसकर अपना नुकसान करवाए। सुने क्या कहना है भंवर के मेहता का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, रिक्शा के पीछे जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको लेकर आपने आवाज उठाई है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आपने पत्र व्यवहार भी किया है, क्या मामला है? देखिए, इधर नया नगर एरिया में एक तकवा का शॉप है, वो हमारी ज्वेलर्स की, लेकिन उन्होंने बाई बैक, फुल बैक, मतलब ऐसा बाई बैक करके उसने लिखा है और वो मतलब लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग 700-800 मजदूरी भी लेते हैं और जिस टाइम में समझो 9/6 रहेगा तो 9/6 का भी 500 मजदूरी लेते हैं और वो फुल बैक मतलब बाई बैक भी मतलब 100% देने की जो शर्त रखे, तो क्या महीने के अंदर हमारा जल एसोसिएशन है तो भाई तो जल एसोसिएशन के हिसाब से हम उनका विरोध करते हैं, मेरा साथ जैसा फेडरेशन के हिसाब से विरोध करते हैं,
और इन्होंने क्या किया है, उस एडवर्टाइज को बिना पैसे, उनको बिना कुछ पैसा लगता नहीं, स्टिकर बांध दिया, रिक्शे के पीछे उन्होंने तकवा करके ऐसा रिक्शा कर पीछे लगा दिया। आज मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ कि वो सब उसकी फ्री पब्लिसिटी हो रही है, न तो उसको गवर्नमेंट के कोई भी शासन प्रशासन के लोग रोक पा रहे, क्योंकि जब उनको ऑलरेडी रिक्शे पे लिखा हुआ है तो कोई गवर्नमेंट नगर पालिका को टैक्स देते नहीं है, या कोई पढ़ने पढ़ने में कोई भी एक्सीडेंट भी होने का चांस रहता है, क्योंकि आदमी खड़ा है वो पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते कभी आदमी को एक्सीडेंट भी हो सकता है, पीछे कोई खड़ा है या पीछे आगे पीछे भी होता है, तो ये सब चीज़ें रिक्शे के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। रिक्शे के पीछे स्टिकर लगाना, अपने उनको 200-500 रुपये दे के जो स्टिकर लगाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। और कहने का मतलब, अगर वो ले रहे हैं तो रिच लीगल पब्लिसिटी का पैसा नगर पालिका को और पुलिस शासन को मतलब दे रहे, कहने का मतलब पहली बात तो लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, कई बार ट्रैफिक में वो पड़ने लगता है तो ट्रैफिक चल जाता है और कोई लोग ट्रैफिक वाला जो जो ड्राइवर रहता है रिक्शे का वो पड़ता रहता है, इससे कभी भी कोई भी गलत होने का चांस रहता है। और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत बार हमने कहने के बावजूद भी अभी तक नहीं आया है, मैंने इसके लिए पत्रव्यवहार भी किया है और मुझे नयानगर एसोसिएशन का लेटर भी आया है, पत्रव्यवहार भी मेरे पास पत्र भी है और वो पत्र से मैंने व्यवहार करके उनसे बोला भी है कि ये गलत है, क्योंकि जब नयानगर का लेटर आया उनका ऑब्जेक्शन लिया नयानगर एसोसिएशन का तो मुझे ऑब्जेक्शन मिला। मीरा महेंद्र महानगर पालिका का आपके पत्रव्यवहार पर क्या प्रत्युत्तर आया? उसका अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मीरा महेंद्र जब लेटर देने के बाद में उनको कम से कम मुझे जवाब देना चाहिए था, वो जवाब नहीं देने की वजह से हमारे सभी जोरों से नाराज है, क्योंकि वो बैग 100% बैग में जो लेने की बात कर रहा है वो हमारे ग्राहकों को या काफ़ी ग्राहकों को गुमराह कर रहा है। इससे आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर तो नहीं माने तो हम आगे हम सर से जो इधर के डोले साहब हैं उनसे भी बात करेंगे, और नहीं माने तो फिर कोर्ट में जाएंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।